तो जिसका इंतजार था वो एनिमेटेड शो आ गया, लेकिन अभी तक इसका फर्स्ट एपिसोड ही रिलीज किया। पता नहीं ये मार्वल वाले कब अपनी हरकतों से बाज आएंगे। तो आज के इस वीडियो में बात करूंगा व्हाट इफ एनिमेटेड शो के बारे में, या कहूं उसके फर्स्ट एपिसोड के बारे में जिसे डिज्नी पर रिलीज किया गया है। और ये जो फर्स्ट एपिसोड है इसकी जो लेंथ है वो 30 मिनट से कुछ 3-4 मिनट और ज्यादा है। तो इसके फर्स्ट एपिसोड की जो शुरुआत दिखाई गई है जहां पर स्टीव रोजर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसे कैप्टन अमेरिका बनाने के लिए, यहां पर इसके एक अलग से मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट दिखाते हुए, जैसा कि हमें लोकी के जो वेब सीरीज आई थी उसके अंदर मल्टी यूनिवर्स का जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया था उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इसके फर्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि स्टीव रोजर नहीं उसकी जगह पर पैगी कैप्टन अमेरिका बनती है। और पैगी के कैप्टन अमेरिका बनने के बाद उसका रेड स्कल से लड़ना, फाइट को रोकना, ये सारी चीज जो हमने लाइव एक्शन मूवी के दौरान देखी थी जहां पर स्टीव रोजर कैप्टन अमेरिका होते हैं, सेम टू सेम इसी के अंदर वो पैरेलल वर्ल्ड दिखाते हुए, पैरेलल यूनिवर्स दिखाते हुए उसके अंदर पैगी जो है वो ये सारे काम कर रही है। ये जितनी भी चीजें हमें देखने को मिलती हैं इसके फर्स्ट एपिसोड में करेक्टर चेंज होने के बाद जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हमें लगता है, खैर इसके इंटरेस्टिंग मतलब इसका इंटरेस्टिंग इसके इंटरेस्टिंग होने की वजह और भी है, जैसे कि इसका करेक्टर चेंज होना। और हमें ये जानने की इच्छा होती है कि यार अब इसका करेक्टर चेंज हुआ है यहां पर, अब इसका कहानी में कितना ज्यादा असर पड़ेगा। तो ये वाली जो चीजें हैं हमें इस एपिसोड के साथ या फिर कहीं आने वाले एपिसोड में भी हमें देखने की इच्छा रहेगी। और कमाल है मार्वल वालों का भाई साहब, ये तो हर तरफ से मतलब एंटरटेनमेंट को निचोड़ रहे हैं। ये अपनी ऑडियंस को कहते हैं भाई तुम टेंशन मत लो, तुम्हें हर तरफ से एंटरटेनमेंट मिलेगा, तुम्हें एनिमेटेड के दौरान मतलब क्या करूं मैं, एनिमेटेड के जरिए भी आप लोगों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। और काबिले तारीफ है मार्वल वालों की, इन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ जो चीजें हमारे सामने रिप्रेजेंट की हैं देखकर अच्छा लगता है, लेकिन एक तरफ बुरा भी फील होता है डीसी को देखकर, यार वो कब अपने करेक्टर को यूज करेगा, उसके पास इतने पावरफुल करेक्टर, कब वो हमारे सामने सही ढंग से सही टाइम पर प्लान करके चीजों को हमारे सामने रखेगा। अगर आपने गौर किया हो तो मार्वल वालों ने जो व्हाट इफ की जो ये एनिमेटेड सीरीज है इसका लाने का मतलब ये लाए कब है, जब लोकी की वेब सीरीज हमारे सामने ला दी गई थी उसके अंदर हमें मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट समझा दिया गया था कि देखो भैया एक और कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कि एक और यूनिवर्स होता है, मल्टी यूनिवर्स उसको कहते हैं, पैरेलल उसमें चलता है, चीजें उसके अंदर चेंज होती हुई मिलती हैं। तो वो सारी चीजें हमारे सामने रख दी थी लोकी की वेब सीरीज में, तब जाके ये व्हाट इफ का जो एनिमेटेड शो है एनिमेटेड सीरीज है वो हमारे सामने आती है। व्हाट इफ के 30 मिनट के फर्स्ट एपिसोड के अंदर बहुत सारी चीजें एक साथ दिखा दी जाती हैं कि भी पैगी का कैप्टन अमेरिका बनने से लेकर 70 साल, जैसे लाइव एक्शन मूवी में हमें दिखाया गया था कि कैप्टन अमेरिका जो है वो बर्फ के अंदर 70 साल तक जमे रहे थे, यहां पर भी वो 70 साल एकदम से टाइम क्रॉस करके दूसरे मतलब 70 साल टाइम आगे चली जाती है। और उसके बाद ये देखो यार ये एनिमेटेड शो पसंद करने के रीजन बहुत सारे हैं, जैसे कि इसका एक तो कहानी, जो कहानी इतनी बढ़िया हमें लगती है कि करेक्टर जो चेंज हो गए हैं अब दूसरों के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, इसमें कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। दूसरा फैक्टर मुझे इसके अंदर लगता है कि यार इसके अंदर जो एनिमेशन है वो बहुत अच्छी की गई है, बॉडी मतलब अच्छी लगती है, काफी इफेक्टिव है। दूसरा उसके साथ ही साथ हमें इसके जो फाइटिंग सीक्वेंस दिखाए गए हैं वो भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और हमें देखने की इच्छा होती रहती है कि यार इसमें जो करेक्टर चेंज कर दिया है आने वाले उस करेक्टर पे क्या असर पड़ेगा, जैसे कि स्टीव रोजर का अब कैप्टन अमेरिका ना बनना, अब स्टीव रोजर इसमें बनने क्या वाला है, बकी का जो कॉन्सेप्ट हमें लाइव एक्शन मूवी में देखने को मिला था अब इस एनिमेटेड शो के जरिए हमें बकी की जगह और कोई, और मतलब वो बताना नहीं चाहता वो स्पॉइलर हो जाएगा, बकी की जगह पे कोई और मतलब गायब हो जाता है, अब वहां पर आने वाले टाइम में पता चलेगा कि वो बन के आया है। और पर्सनली मुझे ये वाला एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आया, जैसा कि मैंने कहा कि इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसको पसंद करने के, बट एक ही शिकायत है, एक ही गम है जो मैं ये कह सकता हूं कि यार ये एक साथ क्यों नहीं रिलीज करते, यार इनको एक साथ रिलीज कर दिया करो, ये क्या शक्तिमान का शो चला रखा है कि हर संडे को एक बार लेके आओगे या हफ्ते में एक बार लेके आओगे। खैर इन सब चीजों को दूर हटाते हैं, रेटिंग की हम बाद में बात करेंगे, जब ये पूरा का पूरा शो आ जाएगा तब कहानी के बारे में हम इसके बारे में चर्चा कर लेंगे कि हां कितनी इंटरेस्टिंग रही, कितनी बोरिंग रही, अच्छी थी बुरी थी, जो भी सारी चीजें हैं वो जब ये पूरा एनिमेटेड शो हमारे सामने आ जाएगा तब वहां पर बात करेंगे। खैर जिस तरीके से इसके अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाई गई है, मतलब पैगी का कैप्टन अमेरिका बनना उसका एक रीजन इसमें दिखाया गया है, वो काफी सेटिस्फेक्शन हमें देता है कि हां भाई ऐसा हो सकता था, कोई ऐसे नहीं कि सीधा पैगी को चक लिया गया था। इसमें दिखाया जाता है कि पहले तो कैप्टन अमेरिका बनाने के लिए स्टीव रोजर को ही चुना जाता है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि वहां पर पैगी जो है वो कैप्टन अमेरिका बन जाती है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को ऐसा लगता है कि हां यार इसमें वाकई में अच्छा काम किया गया है, सोच समझ कर इसकी कहानी को डेवलप किया गया है।
करेक्टर भी काफी अच्छे हमें लग रहे हैं, स्टोरी भी बहुत बढ़िया। तो मतलब बार बार मैं चीजें रिपीट तो कर रहा हूँ, जो खैर छोड़ो छोड़ो, तो मेरी तरफ से मैं रेटिंग नहीं देने वाला हूँ। खैर अगर आप लोगों ने इस एनिमेटेड शो का फर्स्ट एपिसोड देख लिया तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसा लगा। अगर नहीं देखा तो जाकर देखो यार, क्यों मिस कर रहे हो इस चीज को। और हाँ, ये हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में मिलेगा, इंग्लिश सबटाइटल भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो एक बार पता नहीं यार, ये थोड़ी सी चीज मुझे बुरी लगी कि यार ये मार्वल वाले तो कर तो रहे थे, मतलब इसके ऊपर भी काम कर देते इसको हिंदी में लाने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।